ग्राम झलाई में निशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न, 56 जोड़े हुए शामिल। जिले के ग्राम याना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम छलाई में हर वर्ष की तरह साल भी श्रीमद भागवत कथा के साथ सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 56 जोड़े शामिल हुए। सभी जोड़ों का आयोजक समिति ने हिंदू रीति रिवाज के साथ विधि विधान से विवाह संपन्न कराया। निशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन कार्यक्रम के आयोजक प्रेम नारायण राठौर, आबकारी ठेकेदार के द्वारा खुद जाकर व्यवस्थाओं को देखा और 56 जोड़ों के विवाह विधि विधान से संपन्न कराए गए। आपको बता दें कि अभी कोरोना काल के दौरान 2 वर्ष के लिए ये कार्यक्रम जो है वो बंद था, लेकिन आज इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। ऐसे में मीडिया कर्मियों को भी यहां पर कवरेज के लिए बुलाया गया था। इस दौरान विवाह सम्मेलन में शामिल हुए जोड़ों से चर्चा की तो उन्होंने बेहतर व्यवस्थाएं होने की बात कही। इसी के साथ सभी को भरपूर खाना और विधि विधान के अनुसार दहेज देकर विवाह संपन्न कराए गए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस आयोजन में सभी जोड़ों ने दादा भजन सेठ को धन्यवाद दिया और साथ ही साथ 20 साल में अभी तक 3500 जोड़ों के विवाह वो करा चुके हैं। कार्यक्रम के दौरान मीडिया कर्मियों ने जब प्रेम नारायण राठौर दादा भजन सेठ से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि 3500 शादी वो करा चुके हैं। इसमें सभी समाजों को निशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल किया जाता है, उन्हें किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। साथ ही साथ दादा राठौर ने कहा कि सम्मेलनों के दौरान अभी तक 3 निकाह भी वो करा चुके हैं। इसी बीच उनसे एक सवाल पूछा कि आपको ये प्रेरणा कहां से मिली। उन्होंने कहा कि ये प्रेरणा तो भगवान ने दी है। 2 वर्षों से वो कई वर्षों से अपने परिवार के साथ मिलकर श्रीमद् भागवत कथा कराते थे। इसी बीच मन में भावना जगाई कि क्यों ना इसमें गरीब लोगों के बेटे बेटियों की शादी कराएं। तभी से करीब 20 साल से श्रीमद् भागवत कथा के साथ वो सामूहिक विवाह सम्मेलन कराते आ रहे हैं और उनका कहना है कि आगे भी जब तक देवों के देव महादेव और गौड़ महाराज पैसा देते रहेंगे तब तक जिंदगी भर वो ऐसा प्रयास करते रहेंगे। भंडारा करते हैं भागवत कथा में बिचर से निकले कि क्यों ना बन जाए दसवां शादी करा दिया करे तो 50 शादी से शुरू करके अभी उसमें आज तक 3500 शादी करा चुके हैं। किन किन समाजों को प्राथमिकता देते हैं ज्यादा? सारे सारे समाज, समाज का कोई प्रतिबंध नहीं है। आदमी आदमी है, कोई भी समाज हो। हमने मुसलमानों के भी निकाह करा। अच्छा, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा तो भगवान ने दी। प्रेरणा का परिवार है। परिवार अगर भागवत जी की नहीं देता, भागवत जी में से अपने आप पैदा हुई तो अपन इसको मानते हैं भगवान ने दी। भगवान ने दी। अच्छा, आगे आपका आगे और क्या प्लानिंग है? कि पूरी जिंदगी में यही प्लानिंग है, जब तक शंकर भगवान गौड़दास जी पैसा देते रहेंगे जिंदगी भर इससे ज्यादा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे।